गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण, क्लास 10th का, बिहार बोर्ड का। ठीक है, हम लोग आगे पढ़े थे तो चलते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी की एकीकरण, इटली का हम लोग पढ़ लिए बच्चों पिछले ही वीडियो में। तो जर्मनी के एकीकरण, तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का ही योगदान था, लेकिन इससे पहले पढ़ते हैं जर्मनी का एकीकरण का कुछ पॉइंट। तो सबसे पहले क्या पॉइंट है, तो देखते हैं। तो जर्मनी था बच्चों, जो पहले जर्मनी एक एक करण था, एक था वो, बटा वोटा नहीं था, वो एक था, वो सरलमा। जिस तरह से भारत में संसद कहते हैं, अमेरिका में पार्लियामेंट कहते हैं, उसी तरह से जर्मनी में पहले सरलमा था, मतलब एक तरह का संसद था। तो जर्मनी एकीकरण था, सुदृढ़ था, लेकिन धीरे धीरे आधुनिक होते गया, आधुनिक बनते गया बच्चों, आधुनिक बनते गया। तो जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्य में बट गया, सोचिए 300 छोटे बड़े राज्य में बट गया। आप सबको एक अच्छा सा जानकारी होना चाहिए कि जब छोटे बड़े राज्य में बटा होगा तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से अलग है, मतलब सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अलग था। जैसे हमारे देश में भारत में अभी राज्य है, 28 राज्य हैं, तो उसमें क्या है कि अलग अलग, सबसे पहले क्या पढ़े थे ना कि 1952 में सबसे पहले भाषा आधारित राज्य बना था आंध्र प्रदेश। तो क्या हुआ, भाषा आधारित आंध्र प्रदेश बना। तो जैसे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तो सबको क्या है, अलग अलग समाज है, अलग अलग आर्थिक, अलग अलग संस्कृति है। कोई हिंदी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है। तो इसी तरह से बच्चों जर्मनी में भी था, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से अलग था। अब ये जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था, हम एक्स्ट्रा नहीं बताते हैं कि वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए बस किताब से ही बस बताते हैं। उत्तरी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी, ये दो भागों में बटा हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि हिंदू धर्म में ही सिर्फ बहुत ज़्यादा धर्म बटा हुआ है, ईसाई धर्म भी दो तरह के बटा हुआ था। तो उत्तरी जर्मनी में प्रोस्टेट थे, प्रोस्टेट, और इसमें थे कैथोलिक। देखिए कैथोलिक धर्म का अपना एक संसद था जिसका नाम था डाइट। प्रोस्टेट धर्म था जो, जिनका एक प्रसा बहुत बहुल क्षेत्र था, बहुत ज़्यादा मजबूत क्षेत्र था, ये इनका कैथोलिक, और इनका संसद था डाइट, जहाँ पर लोग बैठ के अपना समझौता करते थे, बात विचार किया करते थे। और उत्तरी जर्मनी था प्रोस्टेट। अब दोनों का प्रोस्टेट थे, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब रूप से ही अलग था जर्मनी। जब नेपोलियन ने, आगे देखिए, नेपोलियन ने बच्चों जर्मनी प्रांत को जीत लिया था, प्रांत को जीता, जीत लिया था, तभी राइन संघ का निर्माण होता है। राइन संघ का निर्माण होता है। देखिए ये जो राइन संघ है, तो राइन संघ का निर्माण किया 1806 ईस्वी में, और यहीं से बच्चों क्या हो गया कि जर्मनी में जैसे ही राइन संघ का निर्माण हुआ था, यहाँ से ही जब एक बैठक हुआ, यहाँ से ही जर्मनी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब देखिए कि जर्मनी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो आगे चल कर यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे वर्ग थे, पढ़े लिखे वर्ग थे, जैसे हिंगेल थे, ये हिंगेल थे, बहुत सारे थे। 1834 में प्रसा के नेतृत्व में जलवेरियन नामक संस्था का निर्माण हुआ,
ये जो संस्था था वो व्यापारियों का था, व्यापारियों का, और इन लोग संस्था का उद्देश्य था, ये व्यापारी लोग क्या किए, एक जलवेरी नामक संस्था बनाए, और इनका उद्देश्य था कि जर्मनी में जो लोग का था रवैया उसको हटाकर जर्मनी में राष्ट्रवाद लाए, जर्मनी में राष्ट्रवाद का निर्माण करें, मतलब जो जर्मनी का सोच था उसको हटा के, उन लोग छोटे छोटे राज्य में संस्कृति धार्मिक भाषा के रूप में अलग अलग थे, तो जर्मनी में क्या हुआ, क्षेत्रीय आदत को छोड़कर, जो क्षेत्रीय आदत छोड़कर जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय हुए। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, ऐसे ऐसे भी प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि रायन संघ का निर्माण कब हुआ, तो 1806 में हुआ, और जलवेरियन नामक संस्था का निर्माण कब हुआ, तो 1834 में, ये पूछेगा, या पूछेगा जलवेरियन कैसी संस्था थी, इंजीनियरों का, व्यापारियों का, डॉक्टरों का, तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, व्यापारियों का था, जलवेरियन संस्था कैसी थी, व्यापारियों का था। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे, कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था, का क्या योगदान था। तो देखिए इसको हम दो तीन पॉइंट के व्यू से पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले आंसर में, तो देखिए पहले जर्मनी के एकीकरण में किसका है, बिस्मार्क, तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे बिस्मार्क हिंगेल के विचारों के समर्थक था, हिंगेल के विचारों का समर्थक था, क्रिस गेल नहीं, हिंगेल लिखिएगा, विचारों का समर्थक था। ठीक है, तो बच्चों हिंगेल मतलब क्रिस गेल नहीं, हिंगेल के विचारों के समर्थक था, ये भी कूटनीत था, कूटनीति था, कूटनीति के मतलब कांट काबूर की तरह, जो जर्मनी इटली के एकीकरण में कांट काबूर थे, ऐसे ही जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क थे। ये हमेशा जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा दुश्मन ऑस्ट्रेलिया को मानते थे, कि बिना ऑस्ट्रेलिया को हराए हुए, बिना इसको पराजित किए हुए जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है, जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने के लिए इन्होंने सबसे पहले, ये विश्वास करते थे राजतंत्र के विचारों जैसा, उन्हीं की तरह अर्थात सेना में, इन्होंने युद्ध पर विश्वास करते थे कि युद्ध से ही किसी क्षेत्र को आज़ाद किया जा सकता है, आज़ाद किया जा सकता है, समझ गए, तो युद्ध से ही किसी क्षेत्र को याद किया, तो इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया, रक्त एवं लौह, याद रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने, किसने किया बच्चों, तो बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया और अपना सेना तैयार कर लिया, मतलब बस जैसे सुभाष चंद्र बोस बोले, बोस बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसी तरह से रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क किए। तो पहला व्यू पॉइंट में क्या लिखेंगे, बिस्मार्क हिंगेल के विचारों का समर्थक था, वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया को दुश्मन समझता था कि ऑस्ट्रेलिया अगर जब तक पराजित नहीं होगा तो जर्मनी के एकीकरण नहीं होगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए वो युद्धों पर जानता था, इसलिए युद्ध के लिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया बिस्मार्क ने। ठीक है, दूसरा व्यू पॉइंट क्या, आप चलेंगे आगे, तो आगे में देखिए क्या है कि अब बिस्मार्क रक्त एवं लौह का नीति अवलंबन किया, और ये इसने क्या किया ना कि प्रशा को इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहा, बोला प्रशा के बिना जर्मनी का एकीकरण हुआ, जैसे ही बात बोला तो सब जर्मनी के लोगों ने बोला कि नहीं प्रशा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण होगा, प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण होगा। अब क्या होता है आगे कि डेनमार्क एक देश है जहाँ पवन चक्कियों का देश कहते हैं, डेनमार्क देश में तो होलेस्टीन होलेस्टीन और सेल्विंग, होलेस्टीन और सेल्विंग बच्चों याद रखेंगे, नाम थोड़ा गजब है, दो गो क्षेत्र था, होलेस्टीन और सेल्विंग दो क्षेत्र था। तो क्या किया कि प्रसा ऑस्ट्रेलिया से मिलकर
आक्रमण कर दिया, मिलकर आक्रमण कर दिया। जैसे ही आक्रमण किया तो सेल्विंग पे बच्चों, ये सेल्विंग पे प्रशा का अधिकार हो गया और होलिस्टेन पे, जो होलिस्टेन था उस पे, इस पे होलिस्टेन पे ऑस्ट्रेलिया का अधिकार हुआ। चलिए यहाँ तक तो समझ गया, तो दो पॉइंट समझ गया। तो जैसे दोनों ने मिलकर क्या किया, डेनमार्क के कुछ क्षेत्र जो उस पर राज्य था, डेनमार्क का अधिकार था, उस पर आक्रमण करता है, तो जो होलिस्टेन है जो ऑस्ट्रेलिया को मिल जाता है, सेल्विक है जो प्रशा को मिल जाता है जो। लेकिन देखिए इसके आगे मिटाते हैं, लिख स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या बुक से देखिएगा, क्योंकि बुक से बेहतर कुछ नहीं होता है। अब क्या हुआ कि इम्पोर्टेंट क्या है कि दोनों में जर्मनी लोग ज़्यादा थे, जर्मनी जाति के लोग थे, जर्मनी थे वो ज़्यादा थे। अब दोनों में जर्मनी ज़्यादा थे तो वहाँ क्या हुआ कि बिस्मार्क ने क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना फैला दिया, वहाँ राष्ट्रवाद आ गया। जैसे ही राष्ट्रवाद आ गया तो होलिस्टिन पे ऑस्ट्रेलिया, होलिस्टिन पे ऑस्ट्रेलिया इसको दबाने जाता है यहाँ पे, तो ये रोक देता। जैसे इस तरह से क्षेत्र होगा, मान लीजिए जैसे होलिस्टिन ये है और ये सेल्विंग था, तो ऐसे होकर जाना था, तो ये क्या किया, इसको रोक दिया, नहीं जाने दिया। जैसे नहीं जान दिया तो ऑस्ट्रेलिया तो जानते ही है कितना अति था, उस समय मेटर्निक युग था, मेटर्निक थे, तो जैसे ही नहीं गया तो ऑस्ट्रेलिया क्षुब्ध हो गया, मतलब गुस्सा आ गया, ऑस्ट्रेलिया को गुस्सा आ गया। जैसे इस पर सेल्विंग से यहाँ जान, तो यहाँ राष्ट्रवाद की भावना भड़का दिया, तो यहाँ जाने लगा, तो रोक दिया, बोले नहीं जानेंगे, कैसे जाए देंगे, जाने नहीं देंगे तुम्हें, तो जाने नहीं देंगे तो क्या होगा, विरोध होगा, विरोध होगा। तो एक जब कोई मजबूत देश हो उसको विरोध करिएगा तो वो क्या करेगा, युद्ध करेगा, तो वही आपका युद्ध होगा। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि युद्ध की तैयारी पहले ही से था, बिस्मार्क की कूटनीति से उन्होंने एकदम कॉर्न कवर के रास्ते पे चला। नेपोलियन को, जो फ्रांस के राजा थे, इनको तटस्थ रहने का, तटस्थ रहने का मतलब इन्होंने भी कहा था कि कुछ क्षेत्र हम आपको दे देंगे, फ्रांस के राजा, कुछ क्षेत्र आपको दे देंगे, आप अस्थिर रहिए, आप कुछ मत बोलिएगा। इधर बिस्मार्क विक्टर इमैनुअल से भी मिले हुए थे, विक्टर इमैनुअल जो इटली के करण में थे, तो विक्टर इमैनुअल से। अब ऑस्ट्रेलिया दो को युद्ध हुआ 1866 में, जिसको हम सेडोवो का युद्ध कहते हैं, याद रखें, ऑब्जेक्टिव आता है सेडोवो का युद्ध। इस युद्ध में ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से लड़ रहा था, एक तो आपको लड़ रहा था इटली से और दूसरा लड़ रहा था जर्मनी से। ये दोनों तरफ से होने के कारण, दोनों तरफ होने के कारण प्रशा और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से रुक रहा था, इसीलिए प्रशा की जीत होती है और ऑस्ट्रेलिया हार जाती है, ये जीत जाते हैं। कौन सा युद्ध में, सेडोवो का युद्ध, याद रखें। तो सेडोवो का युद्ध कब हुआ बच्चों, तो 1866 में प्रशा और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें प्रशा की जीत और ऑस्ट्रेलिया की हार हुई। अब क्या हुआ कि कुछ जर्मनी का क्षेत्र, अब भी अब तीसरा पॉइंट में चलते हैं, इतना लिख लेंगे फिर हम एक और बोलते हैं। अब देखिए, अब तीसरा, कुछ जर्मनी क्षेत्र को एकीकृत करने के लिए, मतलब उसको एकीकरण करने के लिए फ्रांस से युद्ध करना था। अब देखिए, फ्रांस से युद्ध करना था, जिसको अभी क्या बोला कि वो आप चुप रहिए, कुछ नहीं, तो एक युद्ध तो जीत गया, तो फ्रांस, इतने में स्पेन, याद रखेंगे, स्पेन के राजगद्दी का मुद्दा उठा, वहाँ के राजा मर गए थे तो वहाँ पर राजगद्दी पर, तो स्पेन के राजगद्दी पे प्रशा का राजकुमार का अधिकार था, प्रशा के राजकुमार का अधिकार था, लेकिन फ्रांस मानने को तैयार नहीं था। जैसे फ्रांस नहीं मानने के तैयार था बच्चों, तो क्या किए बिस्मार्क ने, कि बोले ठीक है आप एक लिखित दे दो हमें, हम मान जाते हैं। तो फ्रांस ने एक लिखित दिया, तो जैसे लिखित दिया तो लिखे कुछ, जैसे होता है ना एक शब्द का अनेक अर्थ होता है,
बोलने का टोन होता है कि बोलते कुछ है समझता लोग है, तो वो क्या किए जैसे वो लिखित प्रेस में दिए तो ये अपने कूटनीतिक के परिचय देते, कूटनीतिक के परिचय देते हुए बिस्मार्क ने क्या किया कि उसे तोड़ ममोड़ के पढ़ दिया। जैसे ही तोड़ मोड़ के पढ़ा जर्मनी के लोग में गुस्सा आ गया, जर्मनी के राष्ट्रवाद की भावना आने लगा। तो जैसी राष्ट्रवाद की भावना आने लगा तो फ्रांस से भी इनको युद्ध होता है, सेडॉन का युद्ध, सेडॉन का युद्ध 1870 ईस्वी में, सेडॉन का युद्ध होता है 1870 ईस्वी में। तो फ्रांस एक मजबूत देश था ना, वो प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग लिया, द्वितीय में भी लिया। तो जैसे ही युद्ध हुआ तो इसमें फ्रांस की हार हो जाती है। याद रखिएगा सेडॉन के बीच युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो फ्रांस और प्रसा के बीच, इसमें यह हार जाते हैं और ये जीत जाते हैं, ठीक है। तो हार जाते हैं तो जी हमेशा याद रखें कि युद्ध के बाद बच्चों क्या होता है, संधि। तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। पूछेगा बच्चों कि फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच हुआ, तो प्रसा और फ्रांस के, जिसके बीच युद्ध होगा उसी के बीच होगा, प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। और अतः बच्चों 10 जून होगा या 10 मई था सेडॉन के युद्ध में, 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। अतः 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हो गया, एकीकरण हो गया। और फ्रांस एक बहुत मजबूत देश था, तो एक मजबूत देश पे दूसरा मजबूत देश का विजय प्राप्त हुआ, तो समझ लीजिए कि जर्मनी भी एक मजबूत देश के रूप में आया, एक स्ट्रांग देश के रूप में आया, जर्मनी भी एक शक्तिशाली देश के रूप में आ गया। और इस तरह से 1871 में जर्मनी के एकीकरण हो गया। अब बच्चों हम बोल देते हैं, सुन लीजिए, थोड़ा अकेले वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था, तो पहला फर्स्ट व्यू क्या लिखेंगे कि बच्चों कि बिस्मार्क हिंगेल का विचारों का समर्थक था, बिस्मार्क कूटनीतिक थे, बिस्मार्क हमेशा राजतंत्र में युद्ध से कोई चीज़ जीतने का विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क जानते थे कि बिना ऑस्ट्रेलिया के हराए हुए जर्मनी के एकीकरण नहीं हो पाएगा, यहाँ तक हो गया। और बिस्मार्क नहीं चाहते थे कि प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो। जैसे ही बात पता चला जनता को, जर्मनवासी को, तो बोला कि नहीं प्रसा के नेतृत्व में ही होगा। चलिए एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हुआ कि डेनमार्क के कुछ क्षेत्र था सेल्विंग और होलस्टीन, तो वो ऑस्ट्रेलिया और प्रसा ने मिलकर आक्रमण कर दिया, तो एक क्षेत्र बांट लिया, होलस्टीन ले लिया ऑस्ट्रेलिया और सेल्विंग ले लिया प्रसा। अब क्या हुआ, दोनों में जर्मन के लोग ज़्यादा थे, तो जर्मनी के लोग ज़्यादा थे तो वहाँ विद्रोह की भावना आ गई। तो विद्रोह की भावना आ गई तो जैसे ऑस्ट्रेलिया उसको कुचलने जाता है, दबाने जाता है, तो प्रसा उसको मना कर देता है। तो जब कोई एक देश अच्छा मजबूत है उसको मना किए तो युद्ध हुआ। जो युद्ध हुआ वो हुआ सेडोवो का युद्ध बच्चों, 1866 ईस्वी में सेडोवो का युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रसा जीत जाती है और आपका ऑस्ट्रेलिया हार जाती है दोनों तरफ से, क्योंकि विक्टर नील से भी मिले हुए थे, फ्रांस को बोला पस्ती रही है। अब कुछ जर्मनी को एकीकरण करने के लिए उनको खुद फ्रांस से लड़ना था, तो स्पेन के राजगद्दी का मामला उठा, ठीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध का भी कारण था, बाद में 9th क्लास में पढ़ना था। तो जैसे ही गद्दी उठा तो वहाँ प्रसा का अधिकार था, लेकिन फ्रांस मानने को तैयार नहीं था, बोला हम यहाँ राजकुमार देंगे। तो इतने में बोले कि ठीक है आप लिखित दे दो। जैसे ही लिख कर देते हैं तो ये प्रेस में इसको तोड़ ममोड़ के कवि शब्द को बदल के इन्होंने छपवा दिया। जैसे जर्मनी भाषा के लोग यहाँ जर्मन के लोग सुने तो इनमें राष्ट्रवाद की भावना आ गई, और जैसे ही फ्रांस को पता चला तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जो युद्ध था सेडॉन का युद्ध 1870 में, सेडॉन के युद्ध हुआ, तो जिसमें फ्रांस की हार हुई, एक शक्तिशाली देश का हार हुआ। तो जब कोई शक्तिशाली देश को हराते हैं तो आप भी शक्तिशाली हो जाते हैं, तो हार हुआ। और इस तरह से दोनों में एक संधि हुई 10 मई 1871 को, जिस संधि का नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि। और इस संधि के बीच जर्मनी एकीकरण होता है, 1871 ईस्वी में जर्मनी एक शक्तिशाली देश के रूप में हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो ज़रूर दोस्तों तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर, बहुत मेहनत से बनता है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।